कुछ मम्मियाँ आपको भी ऐसी मिली होंगी जो कहती हैं, ज्योति स्काई में देखो मून वॉक कर रहा है, या फिर कुछ पापा ऐसे होते हैं जो कहते हैं पिंटू नल खोल के देखो ना वाटर रन कर रहा है कि नहीं। इंग्लिश बोलने का शौक बहुत अच्छा शौक है, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलें तो सही बोलें, और जब हम हिंदी बोलें तो हिंदी भी सही बोलें। सो आज इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, जिनकी प्रोनंसिएशन क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगी। द वर्ड इज monk, मॉन्क। सो मोनास्ट्री भी नहीं होता, मॉन्स्ट्री में मंक्स रहते हैं। monk इज मंक, नॉट monk। एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लिविंग बींग्स की नेचुरल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, biology, बायोलॉजी, बायोलॉजी, इट्स बायोलॉजी। एक ऐसा वर्ड है जिसे हम न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में या कई बार बुक्स में भी पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है किसी भी एक्सीडेंट या वॉर में किसी की जान चली जाना। एंड द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज casualty, कैजुअलिटी, कैजुअलिटी, इट्स कैजुअलिटी। मेरा एक फ्रेंड है जिसे पिछले 4 महीने से मैं एक ही शब्द पर टोकती जा रही हूँ, एंड द वर्ड इज probably, प्रोबेबली, इट्स प्रोबेबली, प्रोबेबली। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये मैथ्स और साइंस इंटरेस्टिंग है, बट आज भी मेरी सेंस ऑफ डायरेक्शन इस सब्जेक्ट पे बहुत बेकार है। सो उस सब्जेक्ट की प्रोनंसिएशन मुझे बहुत अच्छे से आता है। ज्योग्राफी नहीं होता है, geography, इट्स ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। मम्मा जब तनु से ये पूछती हैं, तनु इस बार एग्जाम में कितना सिलेबस आ रहा है, तो क्यूट तो लगता है, लेकिन मम्मा ये भूल जाती हैं कि वो वर्ड ना इंग्लिश का वर्ड है, और हम इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में कैसे प्रोनाउंस करना शुरू कर देते हैं। स्टे क्यूट, बट syllabus सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस, इट्स सिलेबस। तो तनु इस बार एग्जाम में कितना सिलेबस आ रहा है। बहुत सारे लोग इस वर्ड को असेसरी पढ़ते हैं, लेकिन ये असेसरी नहीं होता, ये एक्सेसरी भी नहीं होता। accessory इज एक्सेसरी, एक्सेसरी, द स्ट्रेस इज ऑन द लेटर हाफ ऑफ द वर्ड एक्सेसरी, athletee। बहुत आसान सा वर्ड है ना। हाँ, तो आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एथलीट होता है ना। एथलीट नहीं होता है, एथलीट, प्लीज क्लिप कर दीजिए, हम मुंह बहुत ज्यादा खोल देते हैं, इट्स एथलीट, नॉट एथलीट, एथलीट। अच्छे अच्छे लोग जो बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो भी इस वर्ड को कई बार गलत प्रोनाउंस करते हैं। द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज hierarchy, नाउ इट इज नॉट हायरार्की, इट्स हायरार्की, या फिर हायरार्की। सो अगर आपको दूसरे र की साउंड बोलनी है तो इट विल बी अ रोल्ड आर, वैसे उसके साउंड की जरूरत नहीं है, पहले आर की साउंड आएगी, इट्स हायरार्की, हायरार्की। पूरी दुनिया में ये मेरी फेवरेट जगह है, इट्स कॉल्ड library, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। बहुत अपने मुंह को कम खोलना है, सारे लेटर्स का जो साउंड है वो क्लियर होना चाहिए, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी, इट्स कॉल्ड लाइब्रेरी। सबको खाना होता है, भैया बर्गर में थोड़ा ज्यादा डाल देना, क्या मेयो, क्यों बोलते हैं लोग मेयो, क्योंकि उसका फुल प्रोनंसिएशन उन्हें नहीं आता। बट आप जब जाना तो कॉन्फिडेंटली बोलना, भैया बर्गर में मेयोनीज ज्यादा डाल देना, मेयोनीज नहीं होता, मेयोनीज नहीं होता, इट्स मेयोनीज, मेयोनीज। सो भैया प्लीज मेरे बर्गर में थोड़ा मेयोनीज ज्यादा डाल देना, और भैया को ना पता हो तो उन्हें बोल देना हाँ, जिसे आप मेयो बोलते हो, nuclear। बहुत सारे लोग इसको न्यूक्लियर बोलते हैं, इट्स नॉट न्यूक्लियर, इट्स न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। र जो लास्ट वाला र है उसकी साउंड नहीं आती है, इट्स न्यूक्लियर।
कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिनकी स्पेलिंग देखते इंसान डर जाता है, जो कहता है यार ये नहीं बोलेंगे, इसकी जगह नॉटी बोल देते हैं, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट मीनिंग सेम ही होता है. एंड द वर्ड इज MISCHIEVOUS. मिस्चिवस. मिस्चीवियस नहीं है इसकी प्रोनंसिएशन, इट्स मिस्चिवस. मुझे जो इतना पसीना आ रहा है ना, जो आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि जब भी हम वीडियो प्रोड्यूस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कलर करेक्ट कर देते हैं, तो लेकिन मुझे बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि बहुत ह्यूमिड है, मतलब कि हवा में बहुत ज़्यादा. HUMIDITY है ह्यूमिडिटी. इट्स ह्यूमिडिटी. इट्स ह्यूमिडिटी. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का. थैंक यू सो मच.